अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। दिल्ली में कल कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा हुई, आगजनी हुई। देर रात भी फायर विभाग को आग के कई कॉल्स मिलते रहे। आज भी मौजपुर और ब्रह्मपुरी इलाके में सुबह 5 बजे से ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। दिल्ली की ऐसी हालत शायद ही आपने कभी देखी हो, शायद ही कभी दिल्ली को आपने हिंसा के आग में जलते हुए देखा हो। दिल्ली आज जल रही है। दिल्ली के सड़कों पर आज हिंसा का तांडव हो रहा है। दुकानों बाजारों में आग की लपटें हैं। दिल्ली में रहने वाले आज दहशत में हैं। 24 फरवरी के सुबह से ही हिंसा का जो मंजर शुरू हुआ वो देर रात तक चलता रहा। आधी रात में उग्रवादियों ने यमुना विहार में भी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। बीती रात में उग्रवादियों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक टायर मार्केट को भी आग लगा दिया। जाफराबाद, मौजपुर, गोकुलपुरी, भजनपुरा, खजूरी, हर तरफ सड़कों पर पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी होने लगी। उग्रवादियों की भीड़ दुकानों, पेट्रोल पंप, वाहनों को आग के हवाले करने लगी। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं कि कैसे उग्रवादी पुलिस के सामने बंदूक लहराते खड़ा है। यह उग्रवादी न केवल बंदूक लहरा रहा है बल्कि पुलिस के सामने 7-8 राउंड फायरिंग भी कर रहा है, जिसमें हेड कांस्टेबल रतन लाल समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। दिल्ली का यह हाल तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के साथ भारत में 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। एक तरफ ट्रंप की मेहमान नवाजी में पूरे गुजरात और आगरा को सजा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दिया गया है। साथ ही एहतियात बरतते हुए दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी इनक्लेव और शिव विहार के मेट्रो स्टेशन को भी बंद करा दिया गया। सुबह से ही दिल्ली के उपयुक्त कार्यालय में पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक चल रही है और जहां पर तनाव का माहौल बना है उधर पुलिस फोर्स भेजी जा रही है। आज दोपहर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी पार्टियों के प्रतिनिधि की बैठक बुलाई थी, जिसमें हिंसाग्रस्त इलाकों में अधिक पुलिस फोर्स के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के संभल जिले से खबर आ रही है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब संभल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में लगातार पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाली जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने को कहा जा रहा है। वहीं संभल के SP ने बताया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में चेकिंग की गई है और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि शहर का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सभी पर निगाह रखी जा रही है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कहना है संभल के SP यमुना प्रसाद का। जनपद संभल में संवेदनशीलता को देखते हुए आज सभी क्षेत्रों में थानावार आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है। लोगों से जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है। थाना नखासा, संभल, हयात नगर आदि क्षेत्रों में घूमते हुए सभी को आश्वस्त किया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ सहयोग में है और सभी को जनसंवाद स्थापित करके विश्वास बहाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डाली जा रही है। सोशल मीडिया पे हमारी निगाह है और जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनको सचेत भी कर रहे हैं कि कोई किसी तरीके की न्यूसेंस नहीं करे, ना ही कोई मैसेज वायरल करे। हमारी निगाहें हैं, अगर कोई भी इस जद में आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करेगा या कोई भी अनवांटेड चीज करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।